This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में आज जमकर बारिश हुई है, लेकिन इस वजह से कई हिस्सों में काफी पानी लग गया। सिविल लाइन क्षेत्र में पानी लगने से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी माना है कि कई बार उनका शुगर लेवल कम हुआ है। गोरखपुर और एलटीटी एक्सप्रेस के ब्रेक लाइनर में आग लगने की घटना हुई है। ब्रेक लाइनर में आग लगने के चलते ट्रेन रोक दी गई है। ओडिशा में बहुड़ा यात्रा से पहले पुरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुड़ा में यात्रा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक है। नोएडा के प्रसिद्ध गार्डन गैलेरिया मॉल में फिर से गोली चली है। मॉल की पार्किंग में यह गोली चली है। बताया जा रहा है कि कार के अंदर गोली चली। यूपी के कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सौरी क्षेत्र से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 2 की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बड़ा धमाका हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बंडू में धमाके की वजह से कई इमारतें और दुकान तबाह हो गए हैं। असम में बाढ़ की वजह से स्थिति भयानक बनी हुई है। हालांकि अब इसमें थोड़ा सुधार हो गया है और बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में वीआईपी घाट के पास मुरादाबाद डिपो की एक बस पुल के पास अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिसमें कई लोगों को हल्की चोटें आई है। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पेपर लीक को लेकर अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई है। महाराष्ट्र में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 17 जुलाई को NSG की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच रही है। वह 4 दिनों तक अयोध्या में रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा परखेगी। यह टीम अयोध्या में 2 जुलाई तक रहेगी। महाराष्ट्र के मुंबई के सेवरी रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक चलते लोकल ट्रेन में चढ़ते समय स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है। घटकों पर होर्डिंग गिरने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। JCB ऑपरेटर ने कहा था कि मिट्टी नरम है, फिर भी बिना सॉइल टेस्ट के होर्डिंग निर्माण का काम आगे बढ़ाया गया। अजीत पवार ने बारामती से आगामी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कुछ लोग झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर विश्वास न करें। मुंबई के कुर्ला डब्लू इलाके में एक घर गिरने से 3 महिलाएं घायल हो गई है। यह हादसा जरीमारी के पुराने कब्रिस्तान के पास स्थित राधानगर चौल में हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से किसी दूसरी पार्टी पर भरोसा न करने की अपील की है। पुणे पुलिस की ओर से कार के दस्तावेजों की जांच के लिए पूजा को कार समेत पेश होने का नोटिस जारी किया गया था। वहीं पूजा के न उपस्थित होने पर पुलिस ने कार जब्त कर ली। नए हफ्ते की शुरुआत जबरदस्त तेजी के साथ हुई है और निफ्टी ने फिर 24,598 का नया रिकॉर्ड हाई बना लिया है। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिराज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और खराब शुरुआत के बाद अब रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। ये थी आज के टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।